अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हम बायो का एक्सपेरिमेंट नंबर 9.5 परफॉर्म करेंगे। बायो के एक्सपेरिमेंट नंबर 9.5 में हमने बेल जार में पॉटेड प्लांट मतलब गमले के पौधे को रखना है और फिर हमने इन्वेस्टिगेट करना है कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कैसे होता है, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस क्या पॉटेड प्लांट में होता है या नहीं, इसको हम किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम पॉटेड प्लांट मतलब गमले के पौधे को बेल जार के अंदर रखेंगे, बेल जार से कवर करेंगे और फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हुआ या नहीं। सो आज का एक्सपेरिमेंट नंबर 9.5 है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए उनमें शामिल हैं दो बेल जार, दो पोटेड प्लांट मतलब गमले के पौधे, पॉलीथीन बैग चाहिए मतलब प्लास्टिक चाहिए। प्रोसीजर में आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एक अच्छे से पानी किया हुआ पोटेड प्लांट मतलब गमले में लगा हुआ पौधा लेना है। गमले और सोयल को आपने पॉलीथीन बैग मतलब प्लास्टिक से कवर करना है और एरियल पार्ट मतलब स्टेम और लीव्स को कवर नहीं करना। पोटेड प्लांट को बेल जार से कवर कर देना है। सारे ऑपरेटर्स को सनलाइट में रखना है और एक घंटे तक ऑब्जर्व करना है। आप देखेंगे कि एक घंटे बाद कलरलेस लिक्विड के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो नजर आएंगे। ये चेक करने के लिए कि ये पानी के ड्रॉप्स हैं, हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में इन ड्रॉप्स को जस्ट करवाएंगे। अगर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू में चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है, तो ये जाहिर करता है कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। इसी तरह आपने एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट भी साथ में करना है। आपने बेल जार बी लेना है और बेल जार बी में आपने पॉटेड प्लांट नहीं लगाना, ठीक है। एम्प्टी बेल जार होगा, कोई प्लांट नहीं होगा, तो आपको उसमें कोई वाटर ड्रॉप्स या कलरलेस लिक्विड के ड्रॉप्स एक घंटे के बाद नजर नहीं आएंगे। आपने ये दोनों साथ साथ रखने हैं। दोनों जार को आपने एक घंटे के लिए सनलाइट में ऑब्जर्व करना है और चेक करना है कि किस में आपको वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे और किस में नहीं आएंगे। बेल जार ए में आपको नजर आएंगे और बेल जार बी में नजर नहीं आएंगे। सो आज के एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या है कि बेल जार ए में जो वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब कलरलेस लिक्विड के जो ड्रॉपलेट्स अपीयर हुए थे, जिनको हमने चेक करने के लिए कि वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, हमने एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को में उन ड्रॉपलेट्स को जस्ट करवाया, जिससे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू में चेंज हो गया। सो ये वाटर ड्रॉपलेट्स का बेल जार ए में नजर आना ये इंडिकेट करता है कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस बेल जार ए में हुआ। और इस प्रोसेस में प्लांट के कौन से हिस्से इन्वॉल्व थे, एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स कौन से, स्टेम और लीव। सोइल और जो बाकी प्लांट बॉडी थी, क्योंकि वो पॉलीथीन बैग मतलब प्लास्टिक से कवर्ड थी।